बांध दी। अब आने दो कन्हैया को। सबने घंटी टांग दी, दरवाजे खोल दिए, खिड़कियां खुल गईं। ठाकुर जी अपनी ग्वाल मंडली के साथ पहुंचे तो कन्हैया क्या देख रहे हैं कि आज तो दरवाजो खुलो भयो है, खिड़की भी खुली है। ठाकुर जी बोले लो मैदान साफ है, चलो अंदर। सब सखा भी संग में है, श्री दामा मधुमंगल स्तोक सुबल। तो जो एक ब्राह्मण सखा है प्रभु के, मनसुखा, श्री मनसुखा जी, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा है उनमें, ब्राह्मण है ना। मनसुखा जी तुरंत बोले कन्हैया आज मोकु कछु गड़बड़ लग रही है। बोले कैसी गड़बड़? बोले देख दरवाजो खुलो है। बोले ये तो अच्छी बात है। मनसुखा जी बोले कन्हैया अच्छी बात ना है, जरूर कोई ना कोई हमें रहस्य छुपो। आज से पहले तो कभी दरवाजा और खिड़की खुले ना मिले, आज क्यों खुले, कछु तो गड़बड़ है। ठाकुर जी बोले दारी के तो हर बात में गड़बड़ी दिखाई देवे। अरे मैं हूं ना संग में, काई को मरो जा रहा है, मैं हूं तो सही, निसंकोच चलो। महाराज अंदर पहुंच गए, एक एक करके वो जो बाउंड्री थी गोपी के घर की, कूद कूद के सब अंदर चले गए। द्वार से सीधे आंगन में पहुंच गए। आंगन में जैसे ही गए, मटकी टंगी भई है, कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। भगवान बोले आनंद आ गया, उतारो और खाओ, सामने माखन है। तभी मनसुखा जी बोले कन्हैया देख मैंने तो ते कही कछु गड़बड़ है। बोले कैसी गड़बड़? मटकी सामने। बोले तेने मटकी तो देखी कन्हैया, मटकी के ऊपर ना देखो, तेने ऊपर गौर ते देख घंटी लटक रही है। तेने मटकी नेक भी हिलाई, घंटी बजेगी और हम सब पकड़े जाएंगे। ठाकुर जी बोले तू अभी मुझे जाने ना है, तो को मालूम है मैं जब तक इशारों ना करूं पत्ता भी ना हिल सके, तो या घंटी की इतनी हिम्मत, मैं मने करूं और ये हिल जाए। ग्वाल बाल बोले कि भैया जो नेताजी करें सो ही करो, इनके पीछे ही आए हैं। ठाकुर जी घंटी से बात करने लगे, प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे, मेरे बांके बिहारी घंटी से वार्तालाप कर रहे। सुनरी घंटी मैं समझाऊं मेरी कहन मत डरियो, सुनरी घंटी मैं समझाऊं मेरी कहन मत डरियो, सुनरी घंटी मैं समझाऊं मेरी कहन मत डरियो, सुनरी घंटी मैं समझाऊं मेरी कहन मत डरियो। जब तक मैं माखन नाए खाए लूं तू हल्ला मत करियो, जब तक मैं माखन नाए खाए लूं तू हल्ला मत करियो, जब तक मैं माखन नाए खाए लूं तू हल्ला मत करियो, जब तक मैं माखन नाए खाए लूं तू हल्ला मत करियो। क्योंकि ओ तेरी मेरी प्रीत, सब हो गया। ठाकुर जी ने कहा कि भैया तू हल्ला नहीं करना घंटी, मेरी बात टालना नहीं। ग्वाल वालों को बोले कि अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, ये घंटी बिल्कुल नहीं बज सकती, मैंने मना कर दिया। ग्वाल वाल बोले ठीक है नेताजी, हम तो आपके पीछे ही हैं, देखेंगे, आगे तो आप हैं। गोल मंडल बना लिया, एक के ऊपर एक चढ़ गए और सबसे ऊपर बालकृष्ण पहुंच गए हैं। ठाकुर जी बोले देखो पहले तो हम मटकी ले जायो करते ना, आज मटकी ना लेके जाएंगे, मटकी यहीं रहेगी और माखन गायब होगा, क्योंकि मटकी ले जाएंगे तुरंत गोपी पीछे भागेगी कि मटकी गायब है गई, मटकी को यहीं रहने दो, कापतो गोपी भूल ही जाए कि मटकी में माखन हो भी कि ना। तो वहीं बैठे रहे कंधे पे, ऊपर से माखन निकाल निकाल कर नीचे देते जा रहे हैं।
स्वयं नहीं खा रहे। देखो हम लोगों में और बाकी बिहारी में यही तो अंतर है, हम लोगों को खाने में मजा आता है पर मेरे बिहारी जी को खिलाने में मजा आता है, यही तो अंतर है। नीचे माखन ऊपर से देते जा रहे हैं, ग्वाल बाल महाराज ले लेकर माखन खाते जा रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, खूब अच्छी तरह सबने माखन पाया। ठाकुर जी ने ऊपर से पूछी, चौबैया सबने खा लियो? ग्वाल बाल बोले, कन्हैया खा लियो? बोले, अब मैं खा लूं? बोले, लाला अब तुम खा लो। सबको खिला दिया, अंत में ठाकुर जी खा रहे, माखन लेके हाथ धर लियो मन में है गए राजी, माखन लेके हाथ धर लियो मन में है गए राजी, ओ माखन लेके हाथ धर लियो मन में है गए राजी, माखन लेके हाथ धर लियो मन में है गए राजी। पर भैया जैसे ही माखन मुख में डालो वैसे ही घंटी बाजी, जैसे ही माखन मुख में डालो वैसे ही घंटी बाजी, घंटी बाज रही है भैया, नहीं सुनवाओ कहां बज रही है घंटी, इतनी धीरे सुनाई दे रही है ना, और जोर से नहीं। जो महाराज ठाकुर जी ने माखन खाया तुरंत ही मुख में रखते ही ऊपर घंटी बजी है, और घंटी के बजते ही क्या हुआ, ओ पकड़े गोपिन ने सांवरिया पकड़ो शाम को, ओ पकड़े गोपिन ने सांवरिया पकड़ो शाम को, ओ पकड़े गोपिन ने सांवरिया पकड़ो शाम को, पकड़े पकड़ लिया महाराज। और पकड़ा भी कैसे जरा देखो, घंटी बजी, घंटी बजते ही सबसे पहले नीचे वाले ग्वाल बाल खिसके, जो महाराज नीचे वाले हिले तो ऊपर वाले का सोचो क्या होगा। ठाकुर जी घबराए कि ये सब तो भाग रहे हैं एकदम, अब भगवान बेचारे गिर जाते, ग्वाल बाल भागे तो ठाकुर जी ने मटकी पकड़ ली, नीचे वाले सब खिसक गए कन्हैया मटकी पर ही लटके रह गए। गोपी जब आंगन में आई तो कोई ग्वाल बाल नहीं है, अकेले कन्हैया लटक रहे महाराज, सोचो क्या दृश्य होगा, छोटे से बालकृष्ण मटकी पकड़े लटक रहे हैं। गोपी नीचे आके बोली, चौरे आज भी कहेगो तेने माखन नहीं चुरायो? ठाकुर जी बोले, जो कहनो पीछे कहूंगा गोपी, पहले नीचे तो उतार मो यहां पे, मैं तो लटको ही रह गयो। महाराज ऊपर से लेके गोपी ने गोदी में, छोटे ही कृष्ण है, नीचे उतारे, बोले आज तेरी पिटाई लगवाऊंगी, आज तू बच नहीं सके, देख तेरे हाथन पे माखन, तेरे मुंह में माखन, कैसे मने करेगा। फंस गए ठाकुर जी, अब कोई आज गवाही देने वाला भी नहीं, ग्वाल बाल तो पहले ही खिसक गए सारे, बल्कि ग्वाल बाल तो महाराज कमाल ही कर रहे हैं, वो बाहर खड़े होकर बाहर से अंगूठा भी दिखा रहे हैं, ले ले तू बड़ो कह रहे हो घंटी ना बजेगी। मनसुखा जी बाहर से अंगूठा दिखाते हैं, तू कह रहे हो ना पत्ता भी ना हिले, बोले बज गई घंटी। ठाकुर जी बड़े परेशान, ठाकुर जी बोले, गोपी देख अब तो जो करनो है सो तू करियो, मुको 2 मिनट देवेगी? बोले 2 मिनट काय के लिए चाहिए? बोले न क्या घंटी ते एक बार और बात करनी है मुझे। तो गोपी भी आनंद ले रही है लाला की मीठी मीठी बातें, ठीक है लाला कर ले। तो ठाकुर जी फिर घंटी को कहते हैं, क्यों री घंटी नेक सुने ना, क्यों री घंटी बात न माने तू तो नेक सुने ना, क्यों री घंटी बात न माने तू तो नेक सुने ना, ओ क्यों री घंटी बात न माने तू तो नेक सुने ना, क्यों री घंटी बात न माने तू तो नेक सुने ना। मेरी बात नहीं मानती, इतना मना किया था मत बजना मत बजना, वो बज गई फिर भी, तो घंटी भी पीछे नहीं रही। घंटी बोली, कान खोल के सुन लो, जब तक ग्वाल बाल खा रहे थे बताओ मैं बजी, सबको पेट भर भर के माखन खिलाया मैं बजी, खूब आपने मटकी हिलाई थी मैं बजी। ठाकुर जी बोले, नहीं बजी।
प्रभु कह रहे हैं वही तो मैं सोच रहा हूं, तेने मोती ही दुश्मनी क्यों निकाली है फिर? काऊ के खावे पे तू नाए बजी, तो मेरे खावे पे क्यों बजी? तो सुनरी घंटी बात न माने तू तो नेक सुने ना, ओ सुनरी घंटी बात न माने तू तो नेक सुने ना। प्यारे बोली घंटी सुनो शाम, बिन घंटी भोग लगे ना। बोली घंटी सुनो शाम, बिन घंटी भोग लगे ना। बोली घंटी सुनो शाम, बिन घंटी भोग लगे ना। बोली घंटी सुनो शाम, हे मेरे प्यारे भोग लगे ना। मैं तो मर्यादा ने बनिया पकड़ो शाम को, ओ मैं तो नहीं, दोनों हाथ उठा कर ताली की सेवा करते हुए हो। बाकी चोर भगवान की, बाकी बिहारी लाल की, बिहारी जी से आपको कोई भी काम करवाना हो तो माखन का थोड़ा लोभ दे दो प्रभु को। गोपियां तो यही करती थी, जरा मुरली की तान सुना दे, जरा मुरली की तान सुना दे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, ओ तुझे हम माखन देंगे। जरा मुरली सुना दे, जरा मुरली की तान सुना दे, तुझे हम माखन देंगे, ओ तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा कर ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। आपके दर्श के तो लाखों करोड़ों दीवाने हैं बांके बिहारी, हम आपको जितना कहोगे माखन खिला देंगे, पर इतना तो करो जरा आके दर्श दिखा दे, जरा आके दर्श दिखा दे, तुझे हम माखन धेरा धेरा।
मिनट और आपके लूंगा बिल्कुल शांत होकर, जहां आपको जगह मिले सभी भक्त बैठ जाएं। अभी गिरिराज जी मैं बहुत नाचेंगे परिक्रमा लगाते हुए, आगे के प्रसंगों को मैं प्रणाम करता हुआ ही चलूंगा। समय अतिक्रांत है, बिल्कुल शांत होकर सभी बैठे। श्री सुखदेव जी महाराज आगे मृद भक्षण लीला का वर्णन करते हैं। कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदयन। घर में जब मटकी फोड़ी है तो माता यशोदा ने लाला को घर में उखल से भी बांधा है नंद भवन के पीछे। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपया सीत स्वबंधने। कुबेर के दो पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव, इन दोनों को वृक्ष योनि से ठाकुर जी ने मुक्ति भी दिलाई और एक फल बेचने वाली मालिन पर भी ब्रज में कृपा की है। फल विक्रीणी तस्य चतुर्धान्य करद्वयम् फलैः अपूरयद् रत्नैः फलभाण्डिम् अपूरि च। ढाई वर्ष की अवस्था में मेरे प्रभु अब गोकुल को छोड़कर नंदगांव पधारे हैं। कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तम प्रीति राम माधवयोर्प। यहां जब प्रभु पधारे हैं, देखो गोकुल यमुना के उस ओर है, वृंदावन नंदगांव बरसाना ये यमुना के इस ओर है सब ब्रज में ही, यानी ब्रज के उस पार से इस पार ठाकुर जी आ गए। जब यहां लीला प्रारंभ हुई है तो पहले बछड़े चराए हैं। उस वत्साचरण लीला में एक असुर आया है, बछड़ा ही बन के आया था। ठाकुर जी ने उसके दोनों पीछे के पैर पकड़कर अश्वत्थ वृक्ष के मूल में उसको मारा और तुरंत ही काम तमाम कर दिया। देवता जय जयकार करते हैं, बोलो असुर निकंदन भगवान। एक बकासुर भी आया था बगुला बन के। ये बकासुर कोई और नहीं है, ये पूतना का ही भाई था। पूतना का एक नाम था बकी, आज आपने कथा सुनी थी ना पूतना के, उसका ही ये भाई है। ठाकुर जी ने इसका भी उद्धार किया। विशाल अजगर सर्प के रूप में एक असुर अघासुर भी आया, यमुना के किनारे मुंह फाड़ कर बैठा है महाराज। ग्वाल बाल जिसके मुख में चले गए थे, परंतु प्रभु ने अंदर प्रवेश करके इसका भी उद्धार किया, अपनी अमृतमयी दृष्टि से जीवित किया है ग्वाल बालों को, क्योंकि उसके विष से मूर्छित हो गए थे ग्वाल बाल। ठाकुर जी ने फिर सबको चेतना दी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ब्रह्मा जी को भी कृष्ण की लीला में मोह हुआ है। ठाकुर जी वनभोजन कर रहे हैं। कि विव्रद वेणु जठर पटयो शंगवे त्रेचकक्षे वामे पाणो मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलेषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरि सुहृदो हासयन् नर्मभि स्वै स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञभोग बालके लिए। ऐसे ठाकुर जी वनभोजन कर रहे हैं। अब इन श्लोकों में इतने भाव छुपे हैं, एक एक शब्द में इतने कमाल कमाल के भाव आचार्यों ने दिए, पर
समय का अभाव है। ब्रह्मा जी ने देखा कि कृष्ण ग्वाल बालों की झूठन खा रहे और अपना प्रसाद ग्वाल बालों को खिला रहे हैं, तो भगवान की इस लीला में ब्रह्मा जी को ब्रह्म हो गया। क्या सोचने लगे, सोचते हैं कि ये भगवान है भी या नहीं, ये तो झूठा खाते हैं, ये ब्रह्म किसको हुआ है? समझ लेना, ये ब्रह्म उसको हो रहा है जिसके चार मुख हैं, जिसके मारे चार सिर हैं, उसको ब्रह्म हो रहा है। तो सोचो कि यदि कृष्ण लीला में एक सिर वालों को ब्रह्म हो जाए तो क्या बड़ी बात है। मेरे प्यारे की लीला तो इतनी विचित्र है कि चार सिर वाले को भी समझ नहीं आ रही। तभी तो कहावत प्रसिद्ध है, रामचरित्र परम पवित्र पर कृष्ण लीला बड़ी विचित्र, समझ नहीं आती। उसको तो आचार्यों की, रसिकों की कृपा से कोई भावुक भक्त ही समझ सकता है। ब्रह्मा भी चक्कर में पड़ गए। यदि ज्ञान के स्तर पर कृष्ण लीला को तोलोगे तो लीला समझ नहीं आएगी, परंतु यदि किसी ने प्रेम के स्तर पर कृष्ण लीला का दर्शन कर लिया तो लीला तुरंत हृदय में उतर जाएगी। ब्रह्मा जी अपने ज्ञान से तोल रहे हैं कि वेदों में कहा गया ठाकुर जी को शुद्ध भोग लगाओ, पवित्र भोग लगाओ, और ये भगवान होकर झूठा खाते। तो ब्रह्म हुआ, कृष्ण के बछड़े कृष्ण के ग्वाल बाल सब चुरा के ब्रह्मा ले गए। ब्रह्मलोक में ले जाकर एक कंदरा में गुफा में योग निद्रा में सुला दिया ग्वाल बालों को, कोई तकलीफ नहीं दी, सुला दिया। कृष्ण ने जब देखा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे बछड़े कहां गए? अरे बछड़ों को ढूंढने गए, पीछे देखा तो ग्वाल बाल भी गायब। ठाकुर जी ने थोड़ा सा चिंतन किया, तुरंत देख लिया कि ये तो ब्रह्मलोक में सो रहे हैं। अच्छा, भगवान समझ गए। भगवान बोले, ब्रह्मा लगे तेरा बुढ़ापो आई गया है, तेरी बुद्धि सठिया रही है, मेरे भक्तन को मोते दूर कर रहे हो है। ब्रह्मा अभी मैं तो को ठीक करूं, संकल्प करके मेरे प्यारे ने क्या प्यारी लीला की है, जितने बछड़े जितने ग्वाल बाल उतने ही कृष्ण ने रूप धारण कर लिए, वही कपड़े वही नाक नक्श बिल्कुल वैसे ही बन गए कृष्ण, बछड़े भी सारे कृष्ण हो गए, ग्वाल बाल भी सारे कृष्ण हो गए। यहां तक कि इतना कमाल का रूप था बंधुओं, किसी के मां बाप नहीं पहचान पाए, न गौएं पहचान पाई कि हमारे नहीं है, गौओं को लगा हमारे ही हैं, गोपियों को लगा हमारे ही हैं, बिल्कुल हूबहू। और ये लीला एक दो दिन के लिए नहीं की प्रभु ने, ब्रज में एक साल तक कृष्ण बछड़े और ग्वाल बाल बन के रहे, एक वर्ष पर्यंत। अब इसमें ब्रह्मा को ठीक करना था, वो तो लीला छुपी ही है। आचार्य ऐसा भी भाव देते हैं कि इसमें कृष्ण की कृपा भी छुपी है। क्यों? क्योंकि गोपियां जब दूध पीते देखती थीं कृष्ण को यशोदा जी का, गोपी सोचती थीं कि हमारो लाला भी कन्हैया जैसा हो, तो हम दूध पिलाती, हाथ से माखन खिलाती। गौएं सोचती थीं कि देखो ये तो यशोदा को ही दूध पीमे हैं, हम गौवन को दूध ये कब पिएंगे, काश हमारे बछड़ा भी कृष्ण बन जाते। तो वो गौएं तड़पती थीं गोपाल के लिए, गोपियां तड़पती थीं गोविंद के लिए। तो ठाकुर जी ने उधर ब्रह्मा को भी ठीक कर दिया और एक साल तक प्रेम पूर्वक गोपियों के उस प्रेम को, गौओं के उस दूध को बांके बिहारी स्वीकार करते रहे, उन पर कृपा भी प्रभु ने बरसाई। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। बड़ा आनंद आ गया। उधर ब्रह्मा जी दो चार चक्कर जब लगाते हैं ऊपर नीचे के, तो समझ जाते हैं कि ये तो कृष्ण की लीला है, क्योंकि वहां भी बछड़े ग्वाल बाल और यहां भी बछड़े ग्वाल बाल। क्षमा याचना करने के लिए चरणों में उपस्थित होते हैं। हमारे वृंदावन में आज भी ब्रह्म कुंड है, वही स्थान था जहां ब्रह्मा जी पहुंचे थे और 40 श्लोक गाकर कृष्ण की स्तुति की, अपने आंसुओं के जल से
भगवान के चरण धोए। क्या कह रहे हैं, एक दो श्लोक सुनिए जरूर ब्रह्मा की स्तुति के, विस्तार तो नहीं कर रहा हूं, केवल थोड़ा सा भाव सुनिए। ब्रह्मा हाथ जोड़ के कह रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, कहते हैं कि नौ मीड्यते ब्रव पुषे तड़िदौ बराय गुंजावत सपरिपे छिल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवे त्रिविषाण वेणो लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपंगजाय। सबसे पहला ब्रह्मा का शब्द है नौमी। स्तुति का पहला श्लोक है और पहला ही शब्द है नौमी। नौमी अर्थात स्तौमी, वही णुय स्तुतौ धातु है। प्रणाम नहीं कर रहे, प्रणाम तो करते हुए आ ही रहे हैं। स्तौमी, हे कृष्ण मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, क्योंकि ते ईड्य आपको छोड़कर इस जगत में कोई ऐसा नहीं है जिसकी स्तुति की जाए। स्तुति करने योग्य आप ही तो हैं प्रभु, और है कौन ऐसा जिसके गुण गाए जाएं, आप ही हो। हे नाथ मैंने बहुत बड़ा अपराध किया जो आपके प्राण प्यारे ग्वाल बाल प्राण प्यारे बछड़े आपसे दूर कर दिए। अपराधी तो मैं हूं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि अब्रवपुषे मैं अपराधी हूं, पर तुम मालूम है कौन हो। हे बांके बिहारी आप कृपा से भरे हुए बादल हो। कितना प्यारा भाव है। अब्रवपुषे का सीधा सा अर्थ तो यही है कि जैसे बादल में पानी भर जाता है तो बिल्कुल नीले दिखाई देते हैं, काले दिखाई देते हैं, तो ऐसे ही आप भी तो मेघ श्याम हो, घन श्याम हो। परंतु यहां पर अपने से जोड़कर ब्रह्मा ये कहना चाहते हैं, प्रभु जैसे बादल में पानी होता है तो बादल ये नहीं देखते कि इस पर बरसेंगे इस पर नहीं बरसेंगे, बादल तो जहां से निकलते हैं पानी बरसाते हुए जाते हैं। ऐसे ही हे बांके बिहारी आप भी कृपा का बादल हो, आपके चरणों में कोई आ जाए तो आप ये नहीं देखते इस पर कृपा करूंगा या इस पर नहीं करूंगा, जो आ जाता है उस पर आपकी कृपा का बादल बरस ही जाता है। आप परम करुणावान हैं प्रभु। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे पशुपांगजाय, ये बड़ा प्यारा नाम है ठाकुर जी का, क्योंकि संपूर्ण भागवत में और कहीं ये नाम नहीं आया, केवल यही ब्रह्मा जी की स्तुति में ये नाम आया है पशुपांगजाय। अनेक अर्थ हैं इसके भी, टीकाकारों ने बहुत सारे भाव दिए हैं, एक जो सरल अर्थ है वो ही बता रहा हूं। पशुन पातीति पशुपः नंदः तस्यांगजाय पशुपांगजाय, जो गौओं को पालने वाले हैं वो हैं पशुप यानी नंद बाबा, और उनके जो अंगजाय यानी उनके जो पुत्र हैं वो हैं पशुपांगजाय बांके बिहारी श्री कृष्ण। आगे ब्रह्मा जी ने और भी बहुत सारी बातें प्रभु को कही हैं। ब्रह्मा कहते हैं कि हे बांके बिहारी मैंने इस वृंदावन की महिमा को देख लिया, ये ब्रज की जो मिट्टी है ये बड़ी विशेष है प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि तद भूरि भाग्य मेह जन्म किम प्यटव्या यद गोकुले कतमांग्रिरजो अभिषेकं यजीवितं तु निखिलं भगवान मुकुंद त्वद्यापि यद पदरज श्रुति मृग्यमेव। हे नाथ कहां तो आपके चरणों को पाने के लिए वेद भी तरसते हैं, पर वृंदावन की इस भूमि को इस मिट्टी को आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त है।
इस मिट्टी में आप चप्पल पहन कर नहीं चलते, पादुका धारण करके नहीं चलते हैं बांके बिहारी। मैंने देखा है कि गौओं के पीछे पीछे तुम नंगे पांव चलते हो, ब्रह्मा कह रहे हैं, मैंने देखा है। यानी इस धरती को तुम्हारे चरण प्राप्त है। बहुत से लोग कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात है, अरे राम जी तो पूरे भारत में नंगे पांव घूमे थे, प्रेम से कहो श्री राधे। याद है ना जब वनवास मिला तो अयोध्या से राम जी पूरे भारत को पार करते हुए कहां तक पहुंचे थे, तो राम जी ने भी कोई चप्पल नहीं पहनी। यदि कृष्ण वृंदावन में नंगे पांव घूमे तो क्या बड़ी बात हो गई। पर ध्यान रखना, ये भूमि इसीलिए विशेष है, यहां केवल ठाकुर जी ने नंगे पांव विचरण ही नहीं किया। जब बछड़ा बने थे ना, अभी अभी आपने कथा सुनी, एक साल तक वृंदावन में बछड़े बन के भी रहे। जब बछड़े बने, कृष्ण बनकर ठीक है अपने चरण दे दिए, थोड़ा सा मिट्टी खा भी ली, चख भी ली, अभी आपने सुना मृदभक्षण लीला हुई। परंतु जब बछड़े बने बांके बिहारी, तो ठाकुर जी को ब्रज की रज इतनी अच्छी लगी महाराज की, बछड़ा बनकर पूरे वृंदावन में वृंदावन की मिट्टी को चाटते हुए घूम रहे। ऐसी भूमि होगी कहीं की? इस भूमि को चरण भी प्राप्त है और जिह्वा भी प्राप्त है बिहारी जी की, रसना भी प्राप्त है। इसीलिए ब्रज की मिट्टी में, वृंदावन की मिट्टी में जो रस है, जो स्वाद है, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। विशेष मिट्टी है। ब्रह्मा कह रहे हैं, हे बांके बिहारी, आगे कभी मुझे जन्म देना तो ब्रह्मा नहीं बनाना, कृपा करके मुझे वृंदावन की धूल बना देना, ब्रजवासियों के चरणों की धूल बना देना। कि ब्रज दो रही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माहे बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहो, जग जाल सोनाथ बचाए रहो, नित बाकी झांकी निहार करूं, छवि छाक सोनाथ छगाए रहो, अहो बाके बिहारी यही विनती, कि मेरे नैन से नैन मिलाए रहो। रजोभिषेकम रजोभिषेकम, ऐसा कहकर श्री ब्रह्मा जी ने कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, बछड़े भी लौटा दिए, ग्वाल बाल भी दे दिए, और वृंदावन की मिट्टी की महिमा गाते हुए श्री ब्रह्मा जी पधारे हैं। क्योंकि ये मिट्टी वास्तव में विशेष है बंधुओं। में एक बात कभी कभी कहा भी करता हूं, यहां भूखा नहीं सोता कोई, वो खिला देता है। आप यदि वृंदावन में हो, तुम भूखे नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा प्रसाद। किसी संत का भंडारा चल ही रहा होगा, किसी मंदिर में प्रसाद बट ही रहा होगा। यहां भूखा नहीं सोता कोई, वो खिला देता है। यहां का कण कण उसके होने का पता देता है। और नशे के लिए हम बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि वृंदावन का पानी भी नशा देता है। वृंदावन की मिट्टी में, यहां के पानी में कृष्ण प्रेम का नशा छुपा है। एक बार कहिए श्री राधे। तो आगे गौचारण लीला हुई, पौगंड अवस्था में प्रवेश किया है, फिर गौएं चराई हैं। गाश्चार्य अंतौ सखिभिः ही समं पदैर वृंदावनम पुण्यमती वचक्रतुः। धेनुकासुर आया, उसका उद्धार किया। हमारे वृंदावन में काली दह है आज भी। वहां पहुंचकर श्याम सुंदर ने उस काली नाग को वृंदावन से बाहर निकाला, क्योंकि उसके जल के कारण पूरी यमुना दूषित हो रही थी। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम, कृष्णः कृष्ण हेना विभो, तस्या विशुद्धि मनविच्छन सर्पम तमुदवासयत। ठाकुर जी ने आज यमुना जी को दूषित देखा तो अच्छा नहीं लगा। वैसे ये श्लोक बड़ा कमाल का है। इस श्लोक में ना सुखदेव जी ने तीन बार कृष्ण कहा, विलोक्य दूषिताम कृष्णाम, कृष्णः कृष्ण हेना विभो।
और ये तीनों कृष्ण अलग हैं। सबसे पहले तो कृष्ण ने देखा, कृष्ण यानी भगवान, किसको देखा? बोले कृष्णाम, कृष्णा नाम है यमुना जी का, यमुना भी तो काली है ना, सांवरी है। तो कृष्ण ने कृष्णा को देखा, दूषित किससे? बोले कृष्ण से, क्योंकि वो नाग भी तो काला ही है। तो तीनों के लिए कृष्ण शब्द का प्रयोग इस श्लोक में सुखदेव जी ने किया, काली भी कृष्ण, यमुना भी कृष्ण, और ये तो कृष्ण है ही। पर वांके बिहारी बोले कि भैया या वृंदावन में तो एक ही कारो रह सके, या तो काली रहेगा या मैं रहूंगा, या निकारो। लीला की है, श्रीदामा की गेंद को माध्यम बनाकर फेंका, फिर लेने के लिए कूदे काली के फण पर, तच्चित तांडव विरुग्ण फणात पत्रो रक्तम मुखै ही रुरुवमन रिप भग्न गात्र। काली के फण पर तांडव नृत्य किया महाराज, ऐसा अद्भुत रूप प्रभु ने दिखाया कि काली कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, वयम खला सहोत्पत्या तामसा दीर्घमन्यव स्वभावो दुस्तेजो नाथ लोकानाम यद सद्ग्रह। प्रभु क्षमा करिए, क्षमा करिए, क्षमा करिए, मैं तो जाति से ही खल हूं, मेरा तो काम ही डसने का है, मैं तो दुष्ट ही हूं। प्रभु आज मैं आपको एक छोटा सा बालक समझ बैठा था, परंतु अब मुझे मालूम चल गया है कि यदि मैं काली हूं तो हे बांके बिहारी तुम कालों के भी काल हो। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मैंने देख लिया, यदि मैं काली हूं तो तुम कालों के काल हो, क्षमा करो, क्षमा करो। रमण द्वीप की ओर भेज दिया, तीन बार वृंदावन में अग्नि का पान किया, दावानल से गोपों की रक्षा की। यहीं पास में दावानल कुंड भी है वृंदावन में ही, जहां प्रभु ने ये लीला दिखाई। सुंदर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन हुआ, वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ, और फिर अद्भुत शरद ऋतु का वर्णन किया कि इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशद वायुना वातम सगो गोपाल को चुत। सुंदर शरद की ऋतु आई है। शरद ऋतु में ब्रज की छोटी छोटी गोपियों ने श्री कृष्ण का वेणु बजाते हुए दर्शन किया है। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयोह कर्णिकारम, इस झांकी को सुंदर गोपियों ने देखा है कृष्ण की। और जब वेणु प्रभु ने बजाई है तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि सर्वभूत मनोहरम केवल गोपियों ने नहीं देखा, सारे ब्रजमंडल ने उस झांकी का दर्शन किया है और उस वेणु को सुना है सबने। वैसे तो कल भी एक बंसी प्रभु की बजेगी, प्रेम से कहिए श्री राधे। अब तो हम बस गिरिराज जी तक पहुंच गए हैं। ये सूचना भी मैं आपको दे दूं, कल की कथा में बहुत विशेष रूप से यहां पहले महाराष्ट्र का थोड़ा आनंद लेंगे, कल थोड़ा सा उद्धव चरित्र का आनंद विशेष रूप में लेंगे, और फिर मेरे प्रभु जब द्वारिका में पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? द्वारिका में किसकी शादी होगी? रुक्मणी और कृष्ण का विवाह है ना, तो वो भी बड़ा विशेष उत्सव होगा। कथा भी सुनेंगे और झांकी का भी थोड़ा दर्शन कर लेंगे, कैसे रुक्मणी कृष्ण का वो मिलन हुआ, जयमाला हुई, दृश्य भी देख लेंगे। कल का उत्सव बहुत विशेष, और परसों तो इस महायज्ञ का विश्राम होगा यहाँ प्रभु चरणों में। विश्राम के समय परसों थोड़ा पुरुषोत्तम मास में होली का भी आनंद ले लेंगे, फूलों की होली, थोड़ा बांके बिहारी के चरणों में। आपको तो मालूम है वैसे भी हमारे ब्रज की होली बड़ी प्रसिद्ध है, परंतु होली का उत्सव थोड़ा ज्यादा विशेष होने वाला है, आपको मालूम है, क्योंकि विश्राम के समय जब भागवत कथा का विश्राम होगा ना, सोचो क्यों उत्सव विशेष होने वाला है, है? हाँ।
क्योंकि हमारे खंडेलवाल परिवार ने श्री सुनीता रवि खंडेलवाल आपने बहुत आग्रह निवेदन गुरुदेव के चरणों में रखा है, तो पूज्य गुरुदेव ने स्वीकृति दे दी है और विश्राम के समय आप सबको आशीर्वाद देने के लिए, पुरुषोत्तम मास भी है ना, तो विशेष आशीर्वाद देने के लिए पूज्य गुरुदेव पधारेंगे हमारे बीच में परसों, और सुंदर होली का उत्सव उनके सानिध्य में ही मनाएंगे। यहाँ बड़ा आनंद आएगा। वेणु गीत गोपियों ने गाया है, अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामह सख्यः पशु ननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयो रणुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। सुंदर भाव है, पर अब समय तो नहीं है बिल्कुल भी विस्तार करने का। 13 श्लोकों में वेणु गीत गाकर कृष्ण की वेणु की महिमा गोपियों ने बताई। आवरण भंग लीला आगे हेमंत्र तुम्हें हुई है, हेमंते प्रथमे मासिनंद ब्रज कुमारिका चेरोर हविष्यम भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। आवरण भंग लीला के समय ही ठाकुर जी ने गोपियों को यह आश्वासन दिया है, गोपियों तुम चिंता नहीं करना, आगामी शरद पूर्णिमा की रात्रि पर मैं तुम्हारे साथ महारास लीला करूंगा, ऐसा आश्वासन दिया। मथुरा की सीमा पर जाकर यज्ञ पत्नियों पर कृपा की और वहां से जब लौटकर पुनः आए हैं नंदगांव, तो क्या देख रहे हैं प्रभु कि भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुत अपश्यन् निवसन् गोपा इंद्रयाग कृतोद्यमा। जब नंदगांव लौटे हैं, गौएं तो छोड़ दी गौशाला में, क्या देख रहे हैं कृष्ण, आज पूरे ब्रज में महाराज चारों ओर हर ब्रजवासी के घर में पकवान बन रहे हैं, मिष्ठान बन रहे हैं, 36 व्यंजन बन रहे हैं, 56 भोग बन रहे हैं। भगवान समझ गए कि इंद्र याग कृतोद्यमान, ठाकुर जी समझ गए कि ये सबरो माल जितनों भी बन रहे है सब इंद्र पे जावे वारो है। वाकई बिहारी कह रहे हैं कि सबसे बड़ो देवता यहां आके बैठ गयो और ये न जाने कौन को 56 भोग खिला रहे। अरे भगवान आ गए पर देवता को मना रहे हैं। एते चांस कलापुंशः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, साक्षात भगवान आकर बैठ गए और न जाने किस देवता की पूजा हो रही है, वो भी इंद्र जैसा अभिमानी, जिसको अभिमान था कि मैं पानी बरसाता हूं। इंद्र को लगता था मैं पानी न बरसाऊं तो पूरा ब्रज प्यासा मरेगा, तो मुझे खिलाओगे तो पानी बरसाऊंगा, पूजा करोगे तो पानी दूंगा, इंद्र को अभिमान था। लेकिन क्या करें, इंद्र ये भूल गया ना कि भले वो पानी बरसाता होगा पर भैया उसकी टंकी को भी भरने वाले तो मेरे बांके बिहारी ही हैं। इज्जत जान से प्यारी है, सिर्फ यही दुश्वारी है। हम भी पहले हंसते थे, ये तस्वीर हमारी है, और हर पहलू से देख लिया प्यारे तेरा ही पड़ला भारी है। करने वाले तो कृष्ण है, तो इस पर हम कल भी चर्चा करेंगे कि भगवान ने ये पूजा इंद्र की बंद करा के गिरिराज पर्वत की प्रारंभ की है, बहुत इसमें भी रहस्य छुपे हैं, भाव छुपे हैं, कल प्रारंभ में आनंद लेंगे थोड़ा। अभी तो आप इतना समझो कि प्रभु ब्रजवासियों को संबोधित करते हैं, घोषणा करते हैं ब्रज में कि आज के बाद कोई इंद्र की पूजा नहीं करेगा। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। पूरा कर्म मीमांसा ठाकुर जी के इस वचन में आ गया, कल चर्चा करेंगे। कह दिया कि बंद करो इंद्र की पूजा, कोई नहीं भोग लगाएगा। ब्रजवासी बोले कि लाला इतने 56 भोग बन गए फिर कहां जाएंगे ये, तो बिहारी जी मनी मन बोले चिंता मत करो मेरे ही पेट में जाएंगे ये। हमारे बांके बिहारी को तो आज भी महाराज एक एक दिन में 10-10, 20-20, 56 भोग लगते हैं। कितने भक्त 56 भोग रोज लगाते हैं बिहारी जी को,
वास्तव में देखो तो बांके बिहारी भोग के भूखे नहीं हैं, उस भोग में जो भक्त प्यार भर के लाता है उस प्यार के बांके बिहारी भूखे हैं। और ब्रजवासियों, तुम्हारे प्रेम को पाने का अधिकारी ये अभिमानी इंद्र नहीं है, तुम अपना प्रेम मुझे दो ना, मैं तुम्हारा प्रेम पाने तो वृंदावन में आया हूं। घोषणा कर दी, बंद करो इंद्र की पूजा, क्योंकि गोवर्धन सम देव न दूजा। गिरिराज जी जैसा कोई दूसरा देवता हो ही नहीं सकता, हमारे ब्रज के प्रधान देवता श्री गिरिराज महाराज हैं। बोला गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, जो कि साक्षात कृष्ण रूप हैं। गिरिराज पर्वत में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है बंधु, एक रूप हैं दोनों। गिरिराज पर्वत के कण कण में कृष्ण बैठे हुए हैं। कृष्ण स्तन्यतमम रूपम गोप विषम भणम गतः शैलोस्मीति ब्रवन भूरी बलिमादक बृहद बपु। उस पर्वत में ठाकुर जी ही जाकर बैठे हैं। आज भी गिरिराज शिलाओं में भक्तों को बांके बिहारी की छवि दिखाई दे जाती है, वो साक्षात कृष्ण। तो बस इतना सा सार इस प्रसंग का आप समझ लीजिए कि इंद्र पूजा बंद हुई, गिरिराज पूजा प्रारंभ हुई। क्यों? क्योंकि इंद्र में अभिमान बैठा है और गिरिराज में साक्षात भगवान बैठे हुए हैं, यही इस प्रसंग का रहस्य है। सभी ब्रजवासियों को लेकर मेरे प्रभु सीधे गिरिराज जी की ओर चल दिए हैं। हम तो बिल्कुल गिरिराज जी के चरणों में ही बैठे हुए हैं। गिरिराज ब्रज में ही है, वृंदावन और गिरिराज जी कोई अलग नहीं है, महाराज एक ही है। ठाकुर जी की लीला भूमि में ही हम बैठे हैं, हमारे लिए यही गिरिराज हैं। तो परिक्रमा भी हम लगाएंगे, पर उससे पहले थोड़ा गाते हुए झूमते हुए मेरे साथ गिरिराज जी के चरणों में चलो। क्या गाओगे? बड़ा प्यारा भाव है, मस्ती में झूम कर सभी गाओ। ओ गिरधारी की महिमा पार, गिरधारी की महिमा पार, करेंगे तेरा भव से बेड़ा 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 पार। ओ गिरधारी की महिमा पार, गिरधारी की महिमा पार, हाँ गिरधारी की महिमा पार, ये भाव से हाँ करेंगे तेरा भव से बेड़ा पार, करेंगे तेरा भव से बेड़ा पार, करेंगे तेरा भव से बेड़ा पार। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर काली की सेवा करते हुए रहो। जय राधे राधे।
हमारे बीच में सुंदर गिरिराज जी की झांकी भी प्रकट होने जा रही है। मेरे प्रभु ने पर्वत में प्रवेश किया और ब्रजवासियों के सन्मुख गिरिराज पर्वत के शिखर पर आज साक्षात गोवर्धन बनकर मेरे बांके बिहारी प्रकट हो गए हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बोला गिरिराज महाराज की, गोवर्धन नाथ गिरधारी की महिमा पा। जी को परिक्रमा लगाने की तो महिमा है ही, पर आप जानते हो ना गिरिराज जी को दूध से अभिषेक करें तो उसकी भी बड़ी महिमा है। तो इसीलिए अर्पण करो दूध था, अब प्यारे अर्पण करो दूध था, ओ अर्पण करो दूध था, अर्पण करो दूध था, करेंगे तेरा गाते हुए अभी गाया ना गोवर्धन परिक्रमा लगाओ राधे श्री राधे कहते ही जाओ। बिना राधा नाम के परिक्रमा पूरी नहीं होगी, तो इस पुरुषोत्तम मास में ये मानसिक परिक्रमा गिरिराज जी की लगाइए मेरे साथ, थोड़ा झूमते हुए गाते हुए। राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधा नाम आपके मुख से निकलना चाहिए, नहीं तो परिक्रमा का फल नहीं मिलेगा। गोवर्धन में, गोवर्धन में, ददीपुरा में, ददीपुरा में, अरविंद पे, अरविंद पे, गोविंद कुंड पे, गोविंद कुंड पे,
राधे 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 राधे। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए चरणों में ठुमका थोड़ा अच्छी तरह लगना चाहिए। ठुमका कमजोर हो गया तो फिर कृपा भी कम पड़ जाएगी, हाँ, और ठुमका जोरदार हुआ तो कृपा भरपूर होगी। दोनों हाथ उठाकर मस्ती से भाव से करेंगे। अब गिरिराज जी की आरती करते हुए प्रसाद लेते हुए सभी प्रस्थान करेंगे बहुत आराम से। श्री राधे
सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के श्री भागवत भगवान जी की आरती में सम्मिलित हों। आरती के पश्चात प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। साथ में पूज्य महाराज श्री जी के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी फेसबुक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं समय समय पर, जिसका एड्रेस है facebook.com/श्री भागवत मिशन। पूज्य महाराज श्री जी से जो भक्त डायरेक्ट संपर्क करना चाहें, शुभ आशीर्वाद नित्य प्रति प्राप्त करना चाहें, वो पूज्य महाराज श्री जी के पर्सनल ट्विटर अकाउंट पर उनको फॉलो कर सकते हैं, जिसका एड्रेस है twitter.com/गौरव कृष्ण जी। पूज्य महाराज श्री जी के द्वारा कही गई श्रीमद भागवत कथा, श्री राम कथा और संपूर्ण भजनों को हमारे यूट्यूब चैनल ब्रजरस के माध्यम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। साथ में पूज्य महाराज श्री जी के पावन सानिध्य में जो कथा प्रेमी जन, जो भक्तजन गौ सेवा में सहभागी बनना चाहें, वो गौ सेवा की राशि देकर के मंच से रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आरती के पश्चात इस कथा का प्रसारण अध्यात्म टीवी चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। सुदूर क्षेत्र में बैठे कथा प्रेमी जन जिससे सत्संग लाभ प्राप्त कर सकें, कल का पावन महोत्सव श्री रुक्मणी विवाह महोत्सव, कथा का समय दोपहर 3:30 बजे से, सभी आरती में सम्मिलित हों। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी तेरे आरती का, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सो है, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सो है, प्यारी बंसी मेरो मन मो है, प्यारी बंसी मेरो मन मो है, देख छवि बलिहार में जाओ, देख छवि बलिहार में जाओ, चरणों से निकली समर्पयामि श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम सभी प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। 56 भोग का प्रसाद मुख्य गेट पर वितरित हो रहा है। प्रसाद लाइन में लगकर के प्राप्त करेंगे अपने कीमती सामान और छोटे बच्चों को संभाल करके रखें। श्री राधे। जब से बांके बिहारी हमारे हुए, जब से बांके बिहारी हमारे हुए, गम जमाने के सारे, गम जमाने के सारे किनारे हुए, जब से बांके बिहारी हमारे हुए, जब से बांके बिहारी हमारे हुए।